नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। कर्ज में डूबी एयर इंडिया में अब विदेशी एयरलाइंस 49% तक हिस्सेदारी खरीद सकेंगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगी है। सरकार ने साफ किया कि विदेशी निवेश के बावजूद एयर इंडिया का कंट्रोल घरेलू हाथों में ही रहेगा। सरकार ने यह भी कहा कि एयर इंडिया में विदेशी एयरलाइन सहित विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 49% से ज्यादा नहीं होगी। इस मंजूरी के बाद एयर इंडिया की बिक्री की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि कोई भी घरेलू एयरलाइंस विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर एयर इंडिया के लिए बोली लगा सकेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार के इस बूस्टर से महाराजा के दिन बदलने वाले हैं। बड़ा पैनल मेरे साथ है। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। जफर इस्लाम साहब हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं एयर इंडिया लिमिटेड के, साथ ही साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं बीजेपी के। सनत कौल मेरे साथ हैं, चेयरमैन हैं इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एविएशन एरोस्पेस एंड डेवलपमेंट के। और जितेंद्र भार्गव साहब मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया एंड एविएशन एक्सपर्ट भी वो हैं। आप तीनों से बातचीत करूंगी और ये जो इतना बड़ा पैनल है ये हमें समझाएगा और समझाने की कोशिश पूरी करेगा कि आखिर इस कदम के बाद एयर इंडिया को कितना बचा पाएगी सरकार और आम आदमी के लिए इसके मायने क्या है और आम आदमी कैसे सीधी सरल भाषा में इसका मतलब समझे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। महाराज की उड़ान पर लगा ग्रहण अब छटता दिख रहा है। साल दर साल कर्ज में डूबते जा रहे महाराज को अब नया पंख मिलने वाला है। ये पंख महाराज के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। जी हां, एयर इंडिया की बिगड़ी किस्मत संवारने के लिए मोदी कैबिनेट ने एयर इंडिया को बेचने के रास्ते की बड़ी अड़चन दूर कर दी है। कर्ज में डूबी एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी कोई भी विदेशी एयरलाइंस खरीद सकती है। कैबिनेट ने इस बात पर मुहर लगा दी है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि बड़ी हिस्सेदारी भारतीय नागरिकों के पास ही रहेगी और इसलिए मुख्य कंट्रोल भी उन्हीं का होगा। दरअसल एयर इंडिया पर मार्च 2017 तक 48,877 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें करीब 17,360 करोड़ रुपए विमान खरीदने के लिए लोन है और बाकी 31,517 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल लोन है, यानी ऑपरेशन में होने वाला खर्च। एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रही है और 2017-18 में इसका नेट घाटा 3,579 करोड़ रुपए रहने के आसार हैं। लेकिन 2016-17 के मुकाबले ये थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पिछले वित्तीय साल में एयर इंडिया को 3,643 करोड़ रुपए का नेट घाटा हुआ था। इसमें हमने भी जो रिपोर्ट दी थी उसमें इस बारे में डिस्कशन किया था, तो मेरा व्यू यही रहा है कि हमको फॉरेन को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर जो है एयरलाइन की वैल्यू भी अच्छी मिलेगी जी। क्योंकि अगर विदेशी निवेशक यहाँ आ सकते हैं इसमें, तो उससे जो है कंपटीशन बढ़ता है और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उसी हिसाब से फिर जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जहाँ तक एविएशन का सवाल है, एयरलाइंस में 49% FDI पहले से ही उसकी अनुमति थी। एयर इंडिया नेशनल कैरियर है, उसको बाहर रखा गया था। उसमें सरकार किसी न किसी तरह से फंड्स का इन्फ्यूजन करती थी। एयर इंडिया की लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं देश के अंदर, चाहे बम्बई में, दिल्ली में, पूरे देश के अंदर हैं, और वो उन रूट्स राइट्स की जो कीमत होती है वो भी अपने आप में बहुत होती है। तो क्या ये सारी चीज़ें देख के ये फैसला किया गया है, ये सवाल उठता है। दरअसल एयर इंडिया जितने कर्ज में डूबा है उसे निकालने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली पिछले साल मई से ही एयर इंडिया को उबारने की तरकीबें खोज रहे थे। तब मामला निजीकरण का भी उठा, तो टाटा जैसे खरीदार ने भी एयर इंडिया को खरीदने की इच्छा जताई। एयर इंडिया को नई उड़ान देने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी गठन हुआ, लेकिन आखिरकार सरकार ने महाराज को विदेशी निवेश का नया पंख देना ही बेहतर समझा है। जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, बहुत कठिन प्रश्न है। मैं जब एक वर्ष के लिए, कुछ महीनों के लिए डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर था 99-2000 में, तो मैंने उस वक्त कहा था कि प्लीज डिसइन्वेस्ट एयर इंडिया, अदरवाइज देयर विल बी नथिंग लेफ्ट टू डिसइन्वेस्ट। उस वक्त मैंने 16-17-18 साल पहले कहा था। आज क्या हुआ कि मार्केट शेयर 14% है और 50,000 करोड़ का डेट है। अब बाकी जो एयरलाइन चलती हैं
प्राइवेट सेक्टर में इंडिगो है या स्पाइस जेट है या गो है या जेट है, उसमें आप तो पैसा नहीं लगाते। वित्त मंत्री के बयान के 3 दिन पहले नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू ने कहा था कि एयर इंडिया को बचाने के लिए सारे विकल्प खुले हैं और सरकार एयर इंडिया को इतिहास नहीं बनने देगी। एयर इंडिया हैज प्रॉब्लम्स इन दिस 3 years, they've demonstrated their capabilities on certain parameters, but their finances are very, very bad. So these finances can pull everything down. दरअसल एयर इंडिया कर्ज में डूबी एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसे उबारने के लिए सरकारें सहारा देती रही हैं। यूपीए 2 की सरकार ने 2012 में एयर इंडिया को बेल आउट पैकेज दिया था। ये पैकेज एयर इंडिया को 10 साल के लिए मिला था और रकम थी 30,000 करोड़। लेकिन बावजूद इस बड़ी रकम के एयर इंडिया ऊंची उड़ान नहीं भर सकी। दरअसल 2007 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय हुआ। 27 अगस्त 2007 को दोनों कंपनियों को NACIL ने लिया और 24 नवंबर 2010 को NACIL का नाम एयर इंडिया लिमिटेड हो गया और एयर इंडिया की कर्ज के जाल की कहानी यहीं से शुरू होती है। कंपनी 2007 से ही घाटे में रही। घाटे से उबरने के लिए टर्न अराउंड प्लान बनाया गया, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया गया, जिसमें सरकार को 22 सालों तक चरणों में 42,182 करोड़ देना था। पिछले साल तक सरकार ने इसके तहत एयर इंडिया को 22,280 करोड़ दिए, लेकिन एयर इंडिया को उबारने की हर पॉलिसी धराशायी हो गई। अब जब महाराज को विदेशी निवेश का नया पंख मिल गया है तो उम्मीद है कि महाराज नई उड़ान भर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बोझ तले दबी एयर इंडिया को उबारने की कोशिश बहुत बार की गई लेकिन फिर वो नाकाम साबित हुई। 3 खास मेहमान जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे साथ है, देखते हैं इस बार का ये मोदी बूस्टर कितना बचाता है एयर इंडिया को। सबसे पहले जितेंद्र भार्गव साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि एयर इंडिया को बचाने के लिए जो सरकार ने, मोदी सरकार ने ये बूस्टर डोज दिया है, ये कितना बड़ा है सर और ये कितना सक्सेसफुल होता हुआ आप इसे देख रहे हैं? देखिए, आज का जो डिसीजन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, ऐतिहासिक डिसीजन है और एयर इंडिया के हित में है, क्योंकि आप फॉरेन एयरलाइंस भी निवेश कर पाएंगी 49% तक, तो ज्यादा एयरलाइंस का इंटरेस्ट होगा एयर इंडिया को एक्वायर करने का इनडायरेक्टली। अब क्योंकि एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन सरकार ले चुकी है और अनिवार्य भी है एयर इंडिया के वे फाइनेंशियल पैरामीटर्स और मार्केट शेयर को देखते हुए, तो फॉरेन एयरलाइंस को जो पार्टिसिपेशन है ये आवश्यक है। नंबर 2, अगर क्योंकि आज ये डिसीजन हुआ है तो जैसे टाटा सिंगापुर एयरलाइंस का ज्वाइंट वेंचर है, वो भी अपना इंटरेस्ट, जैसे उन्होंने इंटरेस्ट पहले दिखाया है, वो भी अपना बिड दे पाएंगे। तो अब से ये डिसीजन से एक चीज और साफ जाहिर है कि सरकार सीरियस है। इस बार जब डिसइन्वेस्टमेंट का मूव है उसको वो लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और ये डिसीजन उसको फैसिलिटेट करेगा। जी जी डॉक्टर सनत, अब आपसे ये समझना चाहूंगी कि 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज है एयर इंडिया पर, आपको लगता है कि इस बूस्टर डोज के बाद क्या एयर इंडिया इस कर्ज को चुका पाएगी और एक जो कह रहे हैं कि नया पंख मिल गया है FDI के रूप में एयर इंडिया को और एयर इंडिया अब ऊंची उड़ान भरते हुए आप इसे देखते हैं? जी हाँ बिल्कुल। एक सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2001 में एयर इंडिया को, जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट करने का हो गया था। इनफैक्ट कम्प्लीटली मोर और लेस 99% काम हो गया था, पर कुछ फेल कर गया और उसके बाद 9/11 जो हादसा हुआ वहाँ न्यूयॉर्क में, उसकी वजह से कोई एयरलाइन नहीं आई। अब 17 साल के बाद ये फिर हो रहा है। FDI जो 100% इन्होंने 49% किया है, बहुत बिल्कुल ठीक है और इसकी वजह से फॉरेन एयरलाइंस भी आ सकेंगी, एयर इंडिया को बचा सकेंगी। अब आपने कहा 50,000 करोड़ का, जापान एयरलाइन का $10 बिलियन का डेफिसिट था, उनका भी लॉस चल रहा था, उनको कोई 12 और कोई 15-20 महीने में उसको टर्न अराउंड कर दिया। तो कोई ऐसा नहीं है, जब एयर इंडिया ठीक से चलेगी, अच्छी तरह सर्विस करेगी, प्रॉफिट बनेंगे और ये जो है टर्न अराउंड होगा। इसका भी पूरा 50,000 करोड़ का काफ़ी कुछ तो प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट चला जाएगा, उसको अगर ये अखबारों में आ रहा है कि उसको अलग करेंगे और एयरलाइन और एयरलाइन की जो सब्सिडीज हैं जो इफेक्टिव काम करती हैं उनको अलग रखेंगे, उनको बेचेंगे एयर इंडिया के साथ। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है, 100 हवाई जहाज़ तो एयर इंडिया के पास ऑलरेडी हैं, तो ये तो बिल्कुल रनिंग एयरलाइन है। इसको
प्रॉफिट में वापस लाने का एंड और पुराने लोन को अदा करने का कोई ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा सवाल नहीं है। अब ये सवाल ये है कि ये कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, इसके लिए कंसल्टेंट्स अपॉइंट हो गए हैं। और जैसे मैं कह रहा था कि 2001 में तो ये, जब मैं बोर्ड में था एयर इंडिया के, तब तो ये प्रैक्टिकली बिक गया था, लास्ट मिनट हिच में रह गया था। इसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई 2004 में तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसको आगे डिसइन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि सरकार का कोई भी इंटरेस्ट हो। इनफैक्ट कॉम्पिटिशन बड़े ज़ोरों का है एयरलाइन में, और अगर कोई गवर्नमेंट होल्डिंग है जहां की सीएजी पार्लियामेंट ये लोग सब आके जी डॉक्टर कॉल जफर इस्लाम साहब, अभी तक ये प्लान था कि क्योंकि एयर इंडिया के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था तो ये कोशिश हो रही थी कि इसे बेच दिया जाए, ऐसी खबरें भी हमने सुनी थी, उसके बाद डाइवेस्टमेंट की बात आई। आपको लगता है इस्लाम साहब कि यू नो दिस डिसीजन बाय द गवर्नमेंट इज इनफ, और यू थिंक देयर विल बी मोर दैट नीड्स टू बी डन टू एक्चुअली टेक एयर इंडिया आउट ऑफ दिस मेस? देखिए, सबसे पहली बात जो है कि आज का जो डिसीजन है कैबिनेट का, उसको दिमाग में रखते हुए आप सरकार की मंशा जो इंटेंट है वो समझ सकते हैं। सरकार चाहती है कि जो एयर इंडिया इतने बड़े डेट के तले दबे हुई है और इसका परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। जफर जी, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी, और मेरे ख्याल से शायद आपका मोबाइल ऑन है, आप उस पर देखिएगा। भार्गवा साहब, आपने किताब भी लिखी डिसेंट ऑफ एयर इंडिया, एक चीज समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि एयर इंडिया की ये जो आज स्थिति हुई है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है सर, और क्या आपको लगता है कि टाटा जिसने शुरुआत की थी एयर इंडिया की, वो वापस एयर इंडिया को चलाने की स्थिति में है, चला सकती है? देखिए, आपका सेकंड पार्ट में पहले जवाब देता हूं कि हाँ, टाटा के हित में रहेगा, क्योंकि टाटा ने एयर इंडिया को जन्म दिया था कि अगर उसका कंट्रोल उनके पास वापस जाता तो आसानी है। लेकिन जो ये एयर इंडिया की जो क्या दुर्गति हुई है सालों के, उसके कई कारण हैं। एक तो एयर इंडिया की गवर्नमेंट ओनरशिप है, चीफ एग्जीक्यूटिव बहुत जल्दी जल्दी बदले जाते हैं और आईएएस ऑफिसर्स अधिकतर अपॉइंट हुए हैं पिछले 20 सालों के अंदर में, तो और प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं। इसके साथ में जो दुर्भाग्य की बात रही है, आप गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को छोड़ दीजिए, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस को छोड़ दीजिए, एयर इंडिया के अंदर में एक ऐसा कल्चर नहीं रहा है जबकि आप लोगों को मेंटर कर रहे हैं सीनियर पोजिशंस के लिए, तो जो एयर इंडिया का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रहा है वो काफी वीक रहा है। तो क्योंकि जब आप कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आप मोनोपोली एरा में बने थे, यूनियंस के एग्रीमेंट सब 1960-70s में साइन हुए थे और यूनियंस ने ये कभी रियलाइज नहीं किया कि कॉम्पिटेटिव एरा के अंदर में उनकी वर्क प्रैक्टिसेस के सुधारने की आवश्यकता है। तो अभी भी वो चाहते हैं कि हमको 1970 के हिसाब के जो वेज एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से हमको प्रोडक्टिविटी तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो खाली पैसा मिलता रहे लेकिन वो कस्टमर को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। जो परसेप्शन है पैसेंजर्स का वो अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव नहीं रहा है एयर इंडिया के लिए में, क्योंकि अगर आपके पास में चाहे वो एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन हो, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस हो, एयरपोर्ट पे कस्टमर सर्विस हो, बैगेज डिलीवरी हो, और मोर इम्पॉर्टेंटली है कि हमारा कमर्शियल स्टाफ मार्केट में नहीं जाता है टिकट बेचने के लिए, जिसके कारण फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के पैसेंजर्स कम ट्रैवल करते हैं। तो अगर आपको एक फ्लाइट को प्रॉफिटेबल बनाना होता है तो ये फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास का शेयर अनिवार्यता होती है, लेकिन जिसमें क्योंकि लोग रिटायर हुए जा रहे हैं, फ्रेश इंडक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि अब रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्लस रिक्रूटमेंट जब आप सीनियर लेवल पे नहीं करते हैं बाहर से तो आपको लोगों को अंदर से प्रमोट करना पड़ता है, चाहे उनके पास में एप्टीट्यूड हो, एटीट्यूड हो, कॉम्पिटेंसी हो, उसको नजरअंदाज करके खाली लेंथ ऑफ सर्विस को देखा जाता है। भार्गव साहब, जो आपने सब बातें बताई सर, 49% का जो ये FDI की बात हो रही है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि बड़ा हिस्सा 51% सरकार ही रखेगी यहाँ पर। सर, ये वाली प्रॉब्लम्स तो दोबारा भी हो सकती है, क्योंकि नहीं, जी
नहीं ये बात गलत है, ये बात गलत है। कहना चाहूंगा ये सरकार का जो आज का डिसीजन है वो एक सीमा रख रही है कि 49% तक फॉरेन एयरलाइन कंट्रोल कर सकती है, ठीक है सर, लेकिन 51% प्राइवेट एयरलाइन, अदरवाइज डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस तो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो 51% प्राइवेट होगी, 49% मतलब 51% इंडियन प्राइवेट एंटिटी कंट्रोल करेगी, 49% विदेशी। तो जब आपके पास में एक प्राइवेट कमर्शियल माइंडेड कंपनी होगी, वो ये सारे बेंचमार्क्स होते हैं, दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो सबको इंट्रोड्यूस करेगी, और खाली तब तक जब तक कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज, चाहे बोर्ड हो चाहे चीफ एग्जीक्यूटिव हो, वो कमर्शियल तरीके से काम नहीं करेंगे, एयर इंडिया के फौज में सुधार नहीं आएगा। तो इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। ठीक है जफर इस्लाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख सकते हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, कि टाटाज ने दिलचस्पी दिखाई थी, खबरें ये भी आई थी कि इंडिगो भी एयरलाइन को, एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन वो बात कहीं तक पहुंची नहीं। क्या अब हम ये देख सकते हैं आने वाले दिनों में कि इन एयरलाइंस के साथ मिलकर कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है? देखिए जाहिर है सरकार का जो आज फैसला है वो ऐतिहासिक अपने आप में है, इसलिए कि पहले भी 49% एविएशन में अलाउड था, लेकिन एयरलाइंस में 49% जो फॉरेन होल्डिंग जो अलाउड थी, लेकिन एयर इंडिया को उससे बाहर रखा गया था। अब एयर इंडिया उसके अंदर है, एयर इंडिया के लिए परमिशन आ गई, और जाहिर है जो अब नए जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वो अपने नो हाउ टेक्नोलॉजी और जो एक्सपर्टीज जो है वो लेकर आएंगे, उससे एयर इंडिया का फायदा होगा। अनसॉलिसिटेड ऑफर जो है, प्रपोजल, चाहे वो टाटा के हो, चाहे इंडिगो के हो, चाहे किसी और का हो, वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जब डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है और ट्रांजैक्शन बैंकर जब अप्रोच करेंगे, और उस वक्त जब ऑफर जब मंगवाए जाएंगे, तो उस वक्त जो जो इंटरेस्टेड पार्टी होगी जरूर वो, चाहे वो टाटा हो चाहे इंडिगो, जो भी जिनको भी इंटरेस्ट होगा वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। देखिए जैसा आप जो भार्गव साहब कह रहे थे और उनसे पहले जो स्पीकर थे उन्होंने कहा कि एयरलाइन की अपनी स्ट्रेंथ होती है, ऐसा नहीं कि एयरलाइन की स्ट्रेंथ नहीं है, ये एयरलाइंस मिसमैनेज्ड है। पहले जो सरकार रही है और पहले की जो मैनेजमेंट रही है, दोनों की साठ घाट की वजह से आज एयरलाइंस का इस हालत में पहुंचा दिया गया। इसलिए बहुत सारे जो आज मैं बोर्ड पे हूँ 4-6 महीने से हूँ, लेकिन बहुत सारे जो डिसीजन जो देखता हूँ जो पहले हुए हैं वो गलत हुए हैं, और उसके वजह से आज ये एयरलाइंस इस हालत में पहुंची है। और चूंकि सरकार एयरलाइंस में रहना सरकार के लिए जरूरी नहीं है, इसमें बार बार जो है टैक्स पेयर्स के पैसे डाल के और कॉम्प्रोमाइज करे, जो सोशल ऑब्जेक्टिव है सरकार का, जो लोगों के लिए खर्च करना चाहिए उसको इग्नोर करते हुए सरकार इसमें पैसा डाले, सही नहीं है। बहुत सारे जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है पैरामीटर्स में, जैसा किसी ने कहा, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुए, बहुत ज्यादा स्कोप भी इम्प्रूवमेंट का करने का, लेकिन पहले के मैनेजमेंट को जिस तरह से कोशिश करनी चाहिए थी। आज भार्गव साहब ने कुछ अभी बात कही जो जैसे जो टिकट सेल्स के बारे में, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही है, और आज जब मैंने जब बोर्ड पे गया तो मैंने भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, बहुत सारे चेंजेस लाने की भी कोशिश की, ताकि जो टिकट सेल्स जो रियलाइजेशन है आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस प्लस जो टिकट सेल्स हो रहा है, कहाँ से रेवेन्यू आता है और कितना पर डे लॉस हो रहा है, उसको ब्रिज करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इकदाम उठाने चाहिए, वो सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताकि जब डिसइन्वेस्टमेंट हो, यस उसमें बहुत सारे एसेट्स हैं, और जब सर मतलब इंडियन प्रमोटर जो है वो भी एडिशनल स्टेक अब एयरलाइंस में, एयर इंडिया में, बिल्कुल जी देखिए वो पार्टनरशिप में आ सकता है, लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर दोनों साथ आ सकते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर 49% के लिए बीट और लोकल प्लेयर पूरे 100% के लिए बीट करते हैं, जितना भी परसेंट, अभी ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं कहूंगा इसलिए कि वो अभी उसका ट्रांजैक्शन बैंकर, ठीक है सर, मतलब डॉक्टर कॉल आप भी मानते हैं कि इस स्थिति को अवॉइड किया जा सकता था, बचाया जा सकता था, जैसा कि भार्गव साहब ने कहा और जफर इस्लाम साहब ने भी कहा कि सिचुएशन जो थी एयर इंडिया में वो उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा डेट एयर इंडिया पर हुआ। आज सिर्फ इतनी कोशिश है हमारी सरकार की, बिल्कुल मैं तो कह ही रहा हूँ कि 2001 में जब हमने इसको प्राइवेटाइज किया, जब मैं बोर्ड में था तब बस फेल कर गया, उसके बाद डिटेरेशन शुरू हुआ है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ये लोग सरकार नहीं चला सकेगी आसानी से, और पूरा 100% डाइवेस्टमेंट करना चाहिए। डिसीशन के 49% फॉरेन
एफडीआई में जा सकता है, वो भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है। ठीक है सर, भार्गवा साहब आपसे आखिर में जल्दी हो जाए जी, भार्गवा साहब आपसे आखिर में ये पूछना चाहूंगी, हु डू यू थिंक इज बेस्ट सूटेड टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन एयर इंडिया? देखिए ये तो कहना संभव नहीं है, लेकिन अगर टाटाज एक्वायर करते हैं तो ये बड़ा लॉजिकल होगा कि टाटाज ने एयर इंडिया चालू की थी और उनको वापस मिला। लेकिन एक जो पॉइंट है, पॉलिटिकल कंसेंसस का बड़ा आवश्यक है। अभी मैंने आपके प्रोग्राम में आनंद शर्मा जी को सुना अपोज करते हुए, वो भूल रहे हैं कि 1987 में कांग्रेस सरकार ने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को सौंपा था कि आप उसके लिए प्लान बनाएं। तो ये पॉलिटिकल पॉलिटिकिंग है, ये एयर इंडिया के हित को हार्म करेगी। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा डॉक्टर जफर इस्लाम से कि आप जरा कम्युनिकेशन असेंशियल हो जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए, यूनियंस के लिए, कि क्यों डिसइन्वेस्टमेंट अनिवार्य है, एयर इंडिया के हित में है, उनके हित में है। ये अननेसेसरली सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी अपोज करेगी, लेकिन सरकार को अपने निश्चय पे दृढ़ रहना चाहिए और डिसइन्वेस्टमेंट को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया भार्गवा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफर इस्लाम साहब आपका भी थैंक यू सो मच, एंड डॉक्टर कॉल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिस टाटा एयरलाइंस की बात भार्गवा साहब कर रहे थे,